तो हे गाइस, आज से स्टार्ट हो गया है हमारे घर में रेनोवेशन का काम। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैंने वॉलपेपर परचेज़ किए थे, उसका पूरा मैंने वीडियो बनाया है। नहीं देखा है तो आप जाके उसे चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। तो उसके लिए अभी पहले हमें हमारी वॉल जो है वो सही करनी है। तो यहाँ पर हमने बुला लिए हैं मज़दूरों को, ये यहाँ पर पूरे वॉल के जो एक्स्ट्रा कलर्स पापड़ी वगैरह होती है वो सब निकाल रहे हैं खुरच खुरच के। तो पूरा आज दिन भर इसी में गया है और मेरे घर का जो हाल हुआ है मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने हर चीज़ को ढक के रखा है लेकिन फिर भी मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो गई है। घसते 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 पूरा घर का दम ज़्यादा वाट लग गई है, क्या बोलूँ मैं आपको, पूरे घर की मेरे वाट लग गई है। यहाँ बज गया है 5, ये सुबह 11:30 से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। इतनी देर में यहाँ पर ये दो वॉल पूरी निकाल दिया है, फिर ये साइड में पूरा वॉल नहीं खुरचा है क्योंकि ये साइड का जो कलर है वो अच्छी तरह से बैठा हुआ है, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आप पूरा मत निकालो। तब ये हो गया हमारा काम, ये सेकेंड डे हो गया स्टार्ट। सेकेंड डे ये आ गए हैं यहाँ पे POP वगैरह करने के लिए। यहाँ पे POP और आई थिंक वॉल पुट्टी कुछ दो तरह के पाउडर मिक्स करके लगा रहे हैं। अगर आपको वॉलपेपर लगाना है घर में तो आपको ये मस्ट करवाना ही पड़ेगा, सिर्फ पेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। ये वॉलपेपर हम लगाते हैं तो भी हमको करवाना ज़रूरी है, जिससे हमारी वॉल अच्छी प्लेन हो जाएगी तो वॉलपेपर अच्छी तरह स्टिक होते हैं। तो ये भाई बहुत फटाफट काम करते हैं, इनका काम देख के मैं तो शौक हो गई माशाल्लाह, इतनी अच्छी तरह से फिनिशिंग से काम भी कर रहे थे और इनका हाथ भी बहुत फटाफट चल रहा था। लेकिन उसमें भी फिर भी इनने कम से कम 3 घंटे में जितना भी था वो पूरा उन्होंने POP पूरे घर में मेरे कर दिया। एक्चुअली पूरा घर नहीं है, हाफ ही घर में हुआ था, एक साइड पूरा पलंग वगैरह रखा था तो वहाँ नहीं करवाया मैंने। तो ये भाई साहब का अभी ब्रेक टाइम चल रहा है, आज ये किचन में काम कर रहे थे, किचन की जितनी भी पपड़ी वगैरह थी वो सब इन्होंने अभी निकाल दिया है। तो अब ये मोबाइल देख के आराम से रेस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा ठीक है चलो आप भी आराम करो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अंदर की POP स्टार्ट कर दी है, बाहर का ये साइड का एरिया कवर कर दिया है, अभी सिर्फ ये जहाँ पे पलंग और एसी कबट वगैरह है वो एरिया पूरा बाकी है क्योंकि सामान हटाने घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आज आप इसे रहने दो, आज आप किचन कंप्लीट करो, इसे सामान हटा के कल से स्टार्ट करेंगे। हमारा TV शिफ्ट हो गया इस वॉल पे, आज का 4th डे है। 3rd डे का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना ज़्यादा घर में पसारा था, पूरा पलंग वगैरह हमने नीचे उतार दिया है। आज लाइटिंग का काम चल रहा है, अभी उनका ब्रेक टाइम है, वो बाहर गए हैं तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सीलिंग पे भी देखिए कलर हो गया है, लेकिन ये जो कलर मुझे चाहिए था एज इट इज़ वो नहीं आया है, लेकिन अब हो गया है तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसे मैं बाद में चेंज करवा दूँगी। तो कल मेरा देखिए किचन में भी काम हुआ है, किचन में मैंने डोर लगाए हैं तो ये मुझे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप किचन के ऊपर के प्लेटफॉर्म को थोड़ा इग्नोर करना जो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है, मुझे बिल्कुल भी कल टाइम नहीं मिला सफाई करने, 10-11 बजे तक कल काम चल रहा था रात में। फिर आज भी वायरिंग वाले भैया आ गए सुबह, तो फिर आज भी ये नहीं हो पा रहा है क्या, वायरिंग बहुत ज़रूरी थी करना क्योंकि लाइट्स वगैरह वायर मेरे जो थे सब निकले हुए थे, POP करने के टाइम पर उन्होंने सब निकाल दिया था और POP की थी, तो आज ये काम ज़्यादा ज़रूरी था कि मेरा वायरिंग हो जाए, ये सब चीज़ें मैं आराम से कर सकती हूँ। और मैं बाहर का भी आपको एक बार व्यू बता देती हूँ, बाहर का किस तरह से POP वगैरह दिख रहा है, उस पर लगेंगे वॉलपेपर, वो वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आपको वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।